गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर 6, चेंजेस कॉज्ड बाय प्रेशर। प्रेशर कैन कॉज मेनी काइंड्स ऑफ चेंजेस, सम इम्पॉर्टेंट वंस आर डिस्कस्ड बिलो। चेंज इन शेप एंड साइज, जैसे ब्लोइंग अ बलून। When we blow up a balloon, observe the change in shape and size of the balloon. कभी आप लोगों ने, सभी ने आप लोगों ने गुब्बारा फुलाया होगा, तो आप लोगों ने उसमें चेंज कुछ देखा क्या होता है कि पहले जब उसमें एयर ब्लो नहीं थी की थी तो कैसा शेप होता है, और जब आप उसमें एयर ब्लो कर देते हो तो उसका शेप साइज बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है। और जब उसकी हवा निकाल देते हो वापस से वो डिफ्लेट्स हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसका फिर शेप और साइज चेंज हो जाता है ना। इसी तरीके से जब कोई हम लोग फ्लफी सॉलिड, जैसे कोई कुशन हुआ या कोई लोफ हुआ, ठीक है, या बॉल हुआ या जो ऊन का गोला हुआ है ना, या कोई स्पॉन्ज हुआ, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको जब दबाते हैं तो क्या होता है, उनकी भी शेप चेंज होता है, हो जाती है, होती है ना। तो व्हेन द प्रेशर इज रिलीज्ड दे गेट बैक टू देयर ओरिजिनल शेप। तो जब प्रेशर रिलीज होता है तो वो अपनी वापस पुरानी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं, होता है ना ऐसे। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है तो किस तरीके से चीजों का शेप और साइज बदलता है। इसी तरीके से ब्रेकिंग ऑब्जेक्ट्स, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, जब किसी चीज पे हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, ऑन ब्रिटल सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लास, बिस्किट्स और कोल। तो जब कोई ब्रिटल सब्सटेंसेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, वो कई छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं, और ये जो टूटना होता है तो ये वापस तो जुड़ नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि दीज आर इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज चेंजेस कॉज्ड बाय मिक्सिंग। मैनी चेंजेस अकर ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर टू ऑब्टेन अ सॉल्ट सोल्यूशन। In the previous chapter, we have discussed how the separate salt from its solution in water. So we can say that it is a reversible change, है ना। जब salt को हम लोग पानी में घोलते हैं तो ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ कि उसको किस तरीके से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, salt को अलग और वाटर को अलग। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि ये जो चेंज हुआ, ये जो सोल्यूशन बना सॉल्ट सोल्यूशन, तो ये कौन सा चेंज होता है, ये रिवर्सिबल चेंज होता है। व्हेन क्विक लाइम इज मिक्स विद वाटर इट इज कन्वर्टेड इनटू स्लेक लाइम एंड इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और स्टूडेंट्स, आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू स्टूडेंट्स।